मॉर्निंग जी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार भूपेश आनंद आपके सामने सो टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नेम्ड एज एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल ए और बेटे आज इस टुडे आज के इस लेक्चर में आई एम आई एम वेरी मच एक्साइटेड मैं बताऊंगा आपको कि वाई आई एम सो मच एक्साइटेड टूडे आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो नो वी जनरली गिव द प्रायोरिटी कि पहले आपको एफ वन करना चाहिए नॉलेज लेवल में यू शुड डू बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी और हमारे इतने सारे एफ थ्री you know, करना चाहिए अकाउंटिंग इसके पीछे लॉजिक्स क्या है अभी मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बताऊंगा गो फॉर एफ वन देन एफ थ्री एंड एफ टू बड़ा लॉजिकल टेक्निकल वे है तो आप में से काफी सारे बच्चों का यू नो आई नो दैट कि एफ वन एफ थ्री कंप्लीट हो गया एंड दे आर फॉर एफ टू लेक्चर्स तो मैं इसीलिए आज आपके सामने एफ टू की बातें करूंगा आपका सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन करना एफ टू में बड़ा इंपॉर्टेंट कैप्लन और बीबीपी -बी क्या लेना है आई विल बी टेलिंग यू मेरे जूस नोट्स क्या कहते हैं मैं वो सब बातें बताऊंगा आप बस एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी आप सभी आज के इस लेक्चर के थ्रू मेरी सभी बातों को पहले ध्यान से सुनेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा आप रजिस्टर खोल लीजिए अपना निकाल लीजिए एज वी हैव कि हमने जो एफ वन में किया एफ थ्री में किया आज हम एफ टू की बात करेंगे तो आपका नया रजिस्टर होना चाहिए थिक वाला रजिस्टर बेटे मेरे सारे रजिस्टर्स मोटे मोटे हैं हाईलाइटर्स होने चाहिए इरादे बुलंद होने चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी तक आपने यू नो यू यू हैव हैव ऑलरेडी सीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने बड़ी सीरी अकाउंटिंग की बात है कि फ्रॉम लास्ट फ्रॉम क्लास नंबर इफ इफ यू यू हैव टेकन कॉमर्स अगर आपके पास कॉमर्स था इलेवंथ से तो बेटे कॉमर्स ही अकाउंट शुरू हुआ अब आप ग्रेजुएशन में अगर आपने यू हैव टेकन और बीबीए तो अकाउंट्स है उसमें एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड नो इश्यूज फॉर दैट आपने यू मस्ट हैं तो आप पहले रजिस्टर ओपन करें दोस्तों सभी मैंने लिखा जी इंट्रो लेक्चर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर है आपको पूरे 18 chapters का ब्योरा विद इंफॉर्मेशन एनगार्ट टू 18 सब्जेक्ट 18 चैप्टर्स जो अभी 18 19 चैप्टर्स हैं आपके पास उन सबका रिलेशनशिप क्या है क्या वो चैप्टर्स कहते हैं आपको कैसे करना है क्या समझना है क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों मैं आज अपने विचार अगर रखूं तो मैं ये कहूंगा कि आप सभी को जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी दे जनरली बच्चों को कहता हूं कि पहले आपको एफ वन करना चाहिए बिजनेस टेक्नोलॉजी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि उससे बेसिक क्लियर होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का वेन यू आर डूइंग प्रोफेशनल लेवल डूंगोनल में जब आपका बेस बन गया यू नो जनरली जब पहली बार आप दे रहे कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन ऑन डिमांड मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि तीन महीने लगाइए आप उसमें जल्दबाजी मत कीजिए तीन से चार महीने लगाइए मॉक टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट परचेज कीजिए एंड आफ्टर दैट यू गो यू शुड गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑफ एक्शन क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा एंड देन गो फॉर

तो आपकी जान पहचान है आपको बस कंप्यूटराइज बेस एग्जामिनेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिकलिश होती है प्रैक्टिस करते करते आती है सेकेंड पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपने इलेवन ट्वेल्थ से ऑलरेडी किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट फ थ्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग वट आर वट वट आई मीन बाई अकाउंट वट आई मीन बाय डाटा वट आई मीन बाई एक्सपेंस वीन बाई लॉस लेजर मैंने पूरा डिस्कस किया है अब है क्या क्योंकि आपने बिजनेस स्टडीज भी पहले पढ़ा हुआ है और भी पढ़ा हुआ है तो आपका हंड्रेड परसेंट चांस होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे उसके बाद मैं एफ टू इसलिए बोलता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट यू नो तो ये जनरली ना बच्चे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में करते हैं आप अगर बीकॉम कर रहे हैं बीबीए कर रहे हैं यू नो जनरली इट इज गिवन इन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो होगा क्या कि आपका एफ वन क्लियर हो चुका होगा एफ टू क्लियर हो चुका होगा तो एक दो सेमेस्टर आपके ऑलरेडी पेपर के भी हो चुके होंगे ग्रेजुएशन के एंड यू आर एट दैट लेवल तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू कैन यू यू नो आर अवेयर ये है ये है तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बेटा एफ आएगा दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जनरली मैं बच्चों को ये कहता हूं कि जब आप एफ वन एफ नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हैं तो जो शूड गो फॉर स्किल लेवल स्किल लेवल में F5 को पहले देना चाहिए क्योंकि F5 फाइव इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने अपने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के वीडियो में भी ये बात मेंशन की है बिकॉज मैक्सिमम सेवेंटी एटी परसेंट कंसेप्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आर फ्रॉम एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा समझ लीजिए बड़े पापा, बड़े पापा, पापा पापा, हम देखते थे बेटे मैं आज भी ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं एक होते हैं बड़े पापा एक होती है बड़ी मम्मी एक होती है मम्मी एक होती है पापा एक होते छोटे पापा एक होती है छोटी मम्मी आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट Because आप जब F2 करेंगे तो आपको याद होगा कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके साथ एफ फाइव करेंगे क्योंकि आपने एफ टू किया यूज करना जल्दी हो सकता है तो ये लॉजिकिंक आपको क्लियर हो गए जनरली आई से दैट गो फर्स्टलीफ वन दैन एफ थ्री एंड एफ टू ठीक है जी इसमें मैंने लिखा जी बिकॉज आप जब आप F2 करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट you know, तो आफ्टर uh, F2 टू तो द सेम द सेम कंसेप्ट आर देयर एंड यूर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज सो इट इज बेटर दैट यू शुड गो फॉर दैट दिस इज द बेस्ट रूड रोड मैप फॉर यूर acca सी सी ए जर्नी चलिए जी आप कहानी शुरू करते हैं

सच में अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ एसीसी क्लियर कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में अगर इफ यू आर ग्रेजुएट अलॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अब मैं क्या बोलूं दो ये आप सब समझ रहे हैं देन ओनली यू हैव दिस आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको कुछ बातें बताऊंगा कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा कुछ शाहरुख खान की बातें बताऊंगा कैटरीना कैफ की बातें बताऊंगा बस आप आने वाले 15-20 मिनट अगर ध्यान से बैठ गए और मेरी बात को आपने सुन लिया तो मेरी ये हैंड स्लाइड्स भी लिखनी जरूरी है कमर सीधी करके बैठना बेटा मैं आज के इस लेक्चर में तीन क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं आई विल बी आंसरिंग थ्री क्वेश्चन थ्री बिग क्वेश्चन आज अगर आपने तीन बिग क्वेश्चन समझ लिए तो पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 18-19 चैप्टर समझ आ जाएंगे और उसके बाद इस चैप्टर वन में जो मैं पांच छह लेक्चर्स लेने वाला हूं वो भी पूरा एक एक फ्लो चार्ट एक रोड मैप आप आपके माइंड में आ जाएगा अब डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से बैठ रहे हैं आपका ध्यान कितना है इट डिपेंड्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट तो योर अंडरस्टैंडिंग विद रिलेट टू एफ टू इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हाउ मच सिंसियर यू आर तो चलिए जी मैं तीन बिग क्वेश्चंस की बात करूंगा आपको मालूम है तीन बातें थी अगर आप प्लानिंग की बातें करें जब आप बहुत छोटे से थे मैनेजमेंट कहीं पढ़ा होगा आपने 11th 12th में तो आपको कहा जाता था व्हाट इज प्लानिंग व्हाट इज टू बी डन हाउ टू बी डन व्हेन इट इज टू बी डन अगर आप ये तीन क्वेश्चंस का आंसर कर दें तो यू कैन बिकम अ गुड प्लानर यू नो सिमिलरलीफ आई कैन आंसर दीज थ्री क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में इस लेक्चर एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिगिनिंग लेक्चर में अगर आप तीन क्वेश्चन का आंसर कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अठारह के अठारह चैप्टर की रिलेशनशिप समझ आ जाएगी बेटा पहला क्वेश्चन है what is accounting? हम basic level से चलेंगे because आप में से काफी सारे बच्चे नॉन कॉमर्स भी है मैं तो मानता हूं कि मैं बिल्कुल नीचे से ग्राफ रूट लेवल से शुरू करूंगा वट इज अकाउंटिंग सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज अकाउंटिंग लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग अलग अलग तरह की है क्या आप एफ थ्री में करते हैं तो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप एफ टू में करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर आप एफ सेवन में करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता हूं आप लिखे वॉट इज अकाउंटिंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और लास्ट में आज मैं आपको बोलूंगा वट इज मैनेजमेंट अकाउंट तो बेटे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग मतलब आप देखें तो बेटे यू यू वांट टू बिकम ग्लोबल यू विल बी बिकमिंग अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ग्लोबली 180 कंट्रीज प्लस में काम करने वाले हैं उन सब में बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट्स ही है अकाउंट्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ ग्लोबल ए अकाउंटेंट अच्छा अकाउंट्स का अगर हम जन्म देखें तो सतयुग से सतयुग के जमाने से राजा राम के जमाने से ब्रिट उसके बाद अकबर, जोधा अकबर के जमाने से अकबर के जमाने से अशोका के जमाने से फिर ब्रिटिशर्स के जमाने से फिर आज मोदी जी के जमाने से आप वर्ल्ड ओवर देखें जी ट्वेंटी कंट्रीज में देखें ऑल ओवर कहीं भी देखें तो बेटे अकाउंट्स तो काफी पहले जमाने से सदियों से चलता आ रहा है अकाउंट का वैसे बेसिक मतलब क्या है कि भाई आपने किसी से कोई ट्रांजैक्शन की कुछ लिया और कुछ दिया संतरे बेचे सेब खरीदे आम बेचे ओनियन खरीद लिए इट मींस यू हैव डन एनी ट्रांजैक्शन आपने कुछ लिया या कुछ दिया उसको रिकॉर्ड करना कि भाई क्या लिया क्या दिया क्या खर्चा किया व्हाट आर द एक्सपेंसेस एज अपोलो टायर व्हाट आर द एक्सपेंसेस फॉर दैट एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें व्हाट आर द एक्सपेंसेस व्हाट इज इनकम इनकम उनकी income क्या है एक्सपेंसिस एक्सपेंस क्या है

तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इंटेलिजेंट होना या ना होना को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो कि जब इलेवंथ क्लास में कॉमर्स में मैंने अकाउंट्स की पहली क्लास अटेंड की तो बड़ी ब्यूटीफुल सी मैम साड़ी पहनकर मेरी क्लास में एंटर हुई और उन्होंने कुछ अकाउंट्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे पांच छह सात लेक्चर्स हुए कभी वो अकाउंटिंग कंसेप्ट की बातें करती थी कभी वो अकाउंटिंग की बातें करती थी कभी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बातें करती थी कभी एक्सपेंसिस की बातें करती थी कभी रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करती थी कभी कैपिटल एक्सपेंस की बात करती थी कभी रेवेन्यू इनकम की बात करती थी कभी कैपिटल इनकम की बात करती थी जनरल एंट्रीज में रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट की बातें करती थी मुझे कुछ समझ आता था कुछ नहीं आता था बट बस चुपचाप बैक वेंचर था चुपचाप बैठा रहता था डरा था रहता था धीरे धीरे उन्होंने लेजर अकाउंट्स बनाने बताए फिर उसके बाद उन्होंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स कंट्रोल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंच गए अचानक एक दिन मैडम को पता नहीं क्या हुआ उन्होंने जब कहा कि दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उन्होंने कहा जो आज तक हमने किया है लास्ट इतने सारे लेक्चरस में जब से मैं पढ़ा रही हूं इस पूरे अकाउंट्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स उस दिन मैं रात को घर में सो नहीं पाया क्योंकि समझ आ भी नहीं रहा था कुछ कुछ आता था कुछ नहीं आता था उस दिन मुझे पता चला कि ये फाइनेंशियल अकाउंट होता है इट मीन जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे एक लाला जी की दुकान है लाला जी बिजनेस कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं कि जनरल सोर्स की दुकान है किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं किसी को सर्फ दे रहे हैं किसी को चीनी दे रहे हैं किसी को कुछ दे रहे कुछ कोई उधार में ले रहा है कोई कैश में ले रहा है सब एंट्री करते जा रहे हैं कि किससे क्या डायरी में नोट करते जा रहे हैं बेटे दैट दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल बेटेक्शन मैं वैसे जनरल बात करूं अगर मेनली बात करूं रिकॉर्डिंग की तो रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंट्स है हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं चाहे वैलिटी से कैसा हो मारुति सुजू मैन्युफैक्चरिंग कार्स मेरे पास अल्टीका कार है अब अल्ट्रीका कार जब उन्होंने पहली बार बनाई होगी उससे पहले उन्होंने दे मस्ट हैव डन सम ट्रांजैक्शंस तो उसकी उसकी कैलकुलेशंस रिकॉर्डिंग की कि भाई बनाते समय मैंने कितना खर्चा आया तो मैं कहता हूं जी रिकॉर्ड करने का मतलब किसी भी चीज को जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज एज अकाउंट्स आई थिंक आपको थोड़ा सा यहां तक बात समझ आ रही है तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है जी बचपन से सुनते आ रहे हैं रिकॉर्डिंग 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 राइटिंग राइटिंग अब उसको ना द द पॉइंट इज इज सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेरा आज पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है मैं धीरे 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 उस मुद्दे तक आ जाऊंगा आप मुझे मत रोकना दोस्तों लेकिन जाने का रास्ता देखो कितना सिंपल सा मैं बना रहा हूं लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है वाई वी टू डू मैनेजमेंट अकाउंटिंग ियल wow, से, कर तो से अंडरलाइन करके नहीं समझा रहा मैं आपको PPTs नहीं कराऊंगा बेटे आपको गूगल से आपको मूवीज से आपको गानों से आपको लॉजिक से आपको, आपको ग्रासरूट लेवल से

अब उन ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सुना होगा वो चेंज होगी जैसे F3 में वी हैव सीन दैट देर आर सम एक्सपेंसेस देर आर सम एसेट्स देर आर सम लायबिलिटीज देर आर सम यू नो इनकम्स और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा कोई लेन देन मान लीजिए लेखा जोखा अगर आप गूगल में जाए और अकाउंट्स को देखें तो बेटे वो कहेंगे लेन देन लेखा जोखा मतलब आपको आपको वही खातों में जो लिखा दैट इज अकाउंट्स इवन इफ अ ग्लोबल इफ यू आर आउटसोर्सिंग टू इंडिया तो अल्टीमेटली है क्या आपको रिकॉर्ड करना है अच्छा रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम धीरे धीरे आएंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप सेवन और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और एफ थ्री नॉलेज लेवल में एफ थ्री आप देखो अकाउंट्स कहां कहां है एफ थ्री में है फाइनेंशियल अकाउंट्स अभी मैंने नहीं बताया उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे एफ सेवन में और उसके बाद आप करेंगे एफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग इज प्रोफेशनल लेवल तो मैं आपसे कहता हूं कि अकाउंट्स का मतलब है जस्ट टू रिकॉर्ड टू क्लासीफाई

आंसर नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन सबने लिखा बेटा व्हाट इज अकाउंटिंग इसका आंसर नंबर वन क्या है मैंने कहा सतयुग से सतयुग से अकबर से ब्रिटिशर्स से लेखा जोखा लेन देन हिसाब किताब रिकॉर्डिंग मैं अभी कुछ नहीं कह रहा फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट कुछ नहीं रिकॉर्डिंग लेखा जोखा किसका हिसाब किताब किसका रिकॉर्डिंग जो भी कुछ मैं कर रहा हूं That is, that is named as, वो उस घटना का उस ट्रांजेक्शन का उस इवेंट का उस ट्रांस दैट इज नुद्राएं चलती थी धीरे 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 गोल्डल तो बेटे क्या लिया क्या दिया क्या खोया क्या पाया भूपेश आनंद के लेक्चर में उसको रिकॉर्ड करने का नाम है अकाउंट्स आइए सर आइए मैं अकाउंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी बता चुका हूं रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग आप रिकॉर्ड करते हैं डायरी में नोट किया लाला जी ने उसको क्लासिफाई कर दिया <laughs> रामलाल से कितने लेने रामलाल ने आज लिया रामलाल ने कल लिया पोस्ट कोविड सिनेरियो में लिया बूस्टर डोज के बाद लिया मतलब आपने सारा कुछ हिसाब किताब उसका लिखा उसको क्लासिफाई किया उसको समराइज किया उसी का नाम है जी उसी का नाम है क्या उसी का नाम है अकाउंट्स अब हम क्या करेंगे

कि किस तरह से उसने अपनी सी ए क्लियर की इंडियन सी ए फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक वन और आपको तो तो पास कितनी सारी फैसिलिटीज है यार आप आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा तो क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने अभी, अभी अभी बताया कि एज पर मी एज पर एज पर यू नो इफ आई सी द ग्लोबल कंसेप्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वन इज फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने एफ थ्री में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसी नॉलेज लेवल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इलेवेंथ क्लास से ट्वेल्थ क्लास कॉमर्स बीकॉम जो भी आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर तक किया दैट इज ऑल इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप किसी इवेंट के किसी वेंचर की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखते हैं रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज तो कर ही रहे कुछ भी बट अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली ट्रांजेक्शन ओनली पैसा ओनली 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 दिस इफ यू रिकॉर्ड दिस कैसे आइए देखें एक छोटा सा वीडियो देखें कि उसमें क्या कहना चाह रही है ये कैटरीना कैफ ठीक है जी कैटरीना कैफ क्या कहना चाहती है ठीक है अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं मैं उस वीडियो को अभी दिखाता हूं लेकिन आप एक बार पहले दोबारा से मेरी बात को सुनेंगे मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूं ऊपर लिखा हुआ जी मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग मैंने कहा जी थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्री पैसा पैसा करती है ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी अभी गाना दिखाऊंगा

तो so F3 के ही बड़े पापा आप करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी artificial person, बड़ा कुछ होता है उस कंपनी में यार जब आप उस कंपनी की अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे यू नो यू आर गेटिंग पॉइंट आई विल से दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग मैं अगर मेरे को कुछ को, कोई इंडिपेंडेंस मिल जाए तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दूसरा नाम होना चाहिए स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग इट मीन वेन आई रिकॉर्ड वेन आई प्रिपेयर अकाउंट फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी नो डाउट आई केन सी इट एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकॉज आई एम डूइंग इट एज फॉर आई एज एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बट मैं मैं इसका दूसरा नाम कहूंगा स्टेक रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बिकॉज इट इज फॉर इंप्लाइज इट इज फॉर ओनर्स इट इज फॉर शेयर होल्डर्स इट इज फॉर बॉन्ड होल्डर्स इट इज फॉर गवर्नमेंट इट इज फॉर सोसाइटी एट अ लार्ज तो जो भी अकाउंट आप स्टेक होल्डर्स के लिए बना रहे हैं जब आप बड़े बन जाएंगे एफ के बाद जब आप स्किल में एफ के बाद आ जाएंगे तो आप F7 करेंगे एफ F7 सेवन में नाम है मैंने इसका नाम डाल दिया जोरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड यू विल राइट ऑन ऑल ऑल एक्सपेंसिस बीग इनकट पीरियड जो भी कुछ उस बारह महीने में आपने खर्च किया जनरली प्रनवी टू दिसंबर एक्सपेंस किया वेलड इज रेवन्यू एक्सपेंस वेलड इजिटल एक्सपेंस मैं तो कहता हूं जो भी ट्रांजेक्शन की एसेट्स परचेस किया लाइबिलिटीज ऑब्लीगेशन क्रिएट की इक्विटी रेस किया कॉमन स्टॉक इश्यू किया बेटे उन सभी का ब्योरा जब आप बनाते हो यू प्रीपेयर बुक्सर रिकनसलेशन स्टेट्रोलेंसर इनकम स्टेटमेंट यू प्रिपेयर बैलेंस शीट यू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ दैट कंपनी स्टेटमेंट फॉर डिस्कस इन एव थ्री बट जब ये कंपनी के लिए करते हो और आई एफ आर एस यूज करते हो तो बेटे उसको हम F3 ना बोलकर हम F7 बोल देंगे दैट इज आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेलो आई एम आई थिंक आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट मैं अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आया मेरा क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग तो पहला पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर चुका हूं सेकंड क्वेश्चन में हूं दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं इस समय आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें कर रहा हूं अकाउंटिंग में F3 से कुछ आगे चला गया F7. आप बताओ, आपने कर एक के यू अच्छा मारुति सुजुकी के आपने ट्रांजेक्शन को एंटर कर दिया एक्सपेंसि नोट कर लिए इनकम नोट कर ली एसेट्स बाय जो किए कर लिए भी ट्रांजेक्शन दिस फुल ट्वेल्व मंथ मारुति सुजुकी की आपने नोट कर ली बट पॉइंट इज क्या लगता है काफी आपको क्या लगता है खाली मैं एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नोट कर लू ये काफी है जैसे मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ तो मैंने बस रिकॉर्डिंग कर दी जो भी खर्चे किए जो भी इनकम की मैंने नोट कर लिया या मुझे ये भी देखना है कि मुझे कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हुई और मैं उसको कितने रेट में कितने प्राइस में बेचूंगा बिजलरी बिजलरी वाटर वालों की बात अगर हम करें आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि क्या सच में इन सभी ये जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप मुझे बताइए क्या लगता है जी जी क्या लगता है 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 ये ये छोले वाला है जी. ये छोले भटूरे भटूरे वाला बेच रहा कोविड सिनेरियो के बाद बूस्टर के बाद मतलब मतलब ये छोले भटूरे बेच रहा है और आप ये बताइए कि क्या बस छोले भटूरे वाले को ट्रांजेक्शन नोट करनी चाहिए या ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि हाउ मच प्राइस ही शुड सेल वन प्लेट ऑफ छोले भटूरा आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा ये डोमिनोज पिज्जा वाले डोमिनोज पिज्जा है, जी। ये है जी। आप ये बताइए का एक नया फ्लेवर आता है कोविड से नहरियो के बाद कोविड तो काफी साल हो गए खत्म हुए <laughs> एक नया एक फ्लेवर लेकर आ रहे हैं नया पिज्जा अब उस पिज्जा में जो ट्रांजेक्शन हुई वो ही नोट कर लें लेको दैट दे शुड ऑल्सो भी अवेयर ऑफ कि ये पिज्जा अगर हमने मार्केट में सेल करना है तो हाउ मच वी शुड सेल इट हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस और बेटे सेलिंग प्राइस खाली ट्रांजेक्शन नोट करने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं आती बिकॉज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग वी आर जस्ट क्लासिफाइंग वी आर जस्ट समराइजिंग ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन माइ डियर फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले मारुति सुजुकी को अर्टिका की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी बिजलरी बॉटल मैं अभी बिजलरी की बात दिखाऊं अगर आपको ये देखिए मारुति सुजुकी दे हैव डन ट्रांजेक्शन दे है बट डियर यहां तक काम खत्म नहीं होता है आपको यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस कार एंड फॉर दैट यू शुड नो हाउ मच इज कॉस्ट इट एक नई अकाउंटिंग का जन्म होगा जब आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे इसलिए मैं कहता हूं कि हूँ आप बाद में दे लास्ट में दे नॉलेज लेवल ले में ले 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 ले। और उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म होगा बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट I want to find out the cost of that one bisleri bottle. I want to calculate the cost of that one car. I want to calculate the cost of my video lectures. It means खाली financial accounting से काम चल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने bisleri bottle की आपके सामने image रखी कि आपको mind चलना start हो जाए यार 20 रुपए की क्यों बेच रहे हैं वो India में Why they are selling one liter of water by at rupees twenty Indian rupees? Why? बीस रुपए सेलिंग प्राइस कैसे निकाला हुआ यार इसका मतलब सेलिंग प्राइस आप बचपन से देखते आ रहे हैं इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इट मींस दे डू उनको क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बेटे एक चीज और करनी पड़ेगी और उसका नाम पता क्या है उसका नाम क्या है क्या है बेटे आप बताओ उनको एक चीज और करनी पड़ेगी और उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग मैं फिर रिपीट करता हूं मैं भूपेश आनंद मैं सीए मैं मैं, मैं, मैं मैं सीएस मैं कुछ भी नहीं क्योंकि मैं दोस्त. हम इस समय क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हमारा मुद्दा है वी वॉन्ट टू रीच मीनार कुतुब मीनार में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा चलते जाओ चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है वहीं पे मिलेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले लॉजिक और तो समझ लो खाली Kaplan में अंडरलाइन करके काफी सारे टीचर्स बता रहे 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 क्या क्या समझा यार कर हो आप क्यों नहीं मेंॉजिक्स बताते बच्चों को थर्टी प्लस कंट्रीज में सेल कर रहे हैं बेटे आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स देखिए थ्री जीरो कंट्रीज तो आप ऐसा टेबल बनाइए जी पहले तो पहला लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर लिखिए फिर लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर लिखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट मींस आपको जाना है इस बार यहां जाना है मुझे बट यहां जाने से पहले मुझे वो नदी तो पार करनी है और उस नदी के बीच में है कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ माय दैट वीडियो लेक्चर्स आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट बैच आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट जॉब आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोसेस तो सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग है जी कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने कहा जी सेकंड अकाउंटिंग है कॉस्ट तो अच्छा लगेगा यार आप लिखोगे ना मुझे आपको है आपको मालूम है आई नो दैट यू नो आई नो दैट यू डोंट नो एंड आई नो दैट यू डोंट नो डोंट नो अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है आप पहले लिख लो पेज को तीन में, तीन में डिवाइड है जी, दूसरा है जी, और तीसरा है कंक्लूड कर दूंगा एक बच्चा कह रहा है जी, हमारे में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है पूरे ACCA में बेटे अभी थोड़ा सा थोड़ा सा एक मिनट जो कह रहे हो कर लो ना यार मैं बताता हूँ यार आपको फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी, अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं पॉल एक्सपेंसिस की बातें जो हमने की

types of income concepts assumptions equations entries ledger accounts trial balance income statement जिसको हम बोलेंगे एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नाम बदल दिए यार आईएफआरएस ने अभी हम देखेंगे बेटे पहला कॉलम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ आएगा मेरा ऑब्जेक्टिव आई वांट टू गो ओवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है जी फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया सभी को

बिकॉज इस पेन से मैं खाली एफ टू का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने वाला इस पेन से मैं और भी काफी सारे स्किल लेवल के प्रोफेशनल लेवल के आई एफ आर एस के रिकॉर्ड करूंगा सो द टेक्निक अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो खाली पच्चीस हजार रुपए जो मैंने पे की उसकी एंट्री पास कर दी पर दू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट सर्विस उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है जी तो जैसे मैंने अभी-अभी कहा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट छोले भटूरे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट वन पिज़्ज़ा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट वन कार कैलकुलेशन ऑफ एंड फॉर दैट एंड फॉर दैट वी शुड नो हाउ द कॉस्ट इज टू बी क्लासिफाइड अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने 18 जो चैप्टर्स आपको दिए हैं हाउ दे आर इंटरलिंक्ड यार

कोकोनट रवा मसाला बनाना है तो भाई साहब कुछ मेथड्स यूज करोगे कुछ टेक्निक्स यूज़ करोगे इसी तरह से अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है फिक्स कॉस्ट क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है पीरियड कॉस्ट क्या होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है यू नो आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट सो so, इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन देन वी विल बी डिस्कसिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड देन वी विल फाइंड आउट दॉट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस उन सभी को मैं कहता हूं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके हैं लेकिन कहानी यहां पर रुकेगी नहीं बेटे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर टू क्या है

आप मुझे एक चीज बताइए आप सभी ने मुकेश अंबानी का नाम तो सुना होगा आप सभी ने आप आप सभी सभी ने ने मूर्ति साहब का नाम तो सुना होगा बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा बेटे दीज आर टॉप मैनेजर ये चेयरमैन हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम करते हैं क्या लगता है इनके पास टाइम है कि आपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरे 12 महीने में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन एंटर की रिलायंस जियो ने कि उनकी उनको चेक करें एंड वेदर दे हैव द टाइम टू कैलकुलेट द कॉस्ट कि आपने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की एलोकेशन क्या किया मेथड्स कौन से लगाए बेटे दे डोंट हैव टाइम उनके पास है तो खाने का टाइम तो है नहीं यार आप कैसी बातें करते हो अभी मैं आपको अभी आपको गूगल क्रोम से दिखाने वाला हूं कि दे डोंट हैव टाइम सो द पॉइंट इज

कैन टेक समीज दे कैन डू सम एक्टिविटीज आप बताइए एक का एक छोटा सा बच्चा है ना आप जब में, में थे तो आपके टर्मिनल्स होते थे मंथली टेस्ट होते थे हाफ थे, फाइनल एग्जामिनेशन होते थे पूरे बारह महीने में आपने जो जो भी एक्टिविटीज की जैसा भी किया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया म्यूजिक में किया एक्स्ट्रा करिकुलर में किया आपका बिहेवियर क्या था उस सब हम एक 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 रिपोर्ट में लेके आ जाते और उसका नाम है रिपोर्ट कार्ड याद है जो आपको क्लास टीचर कहते थे कि अपनी मम्मी से अपने पापा से सिग्नेचर करा के लेके आगले अखल, अगले दिन बेटे दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ आ गया आपके बारे में जब आप रिपोर्ट कार्ड पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा कि भाई है क्या एक बच्चा कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कौन से सब्जेक्ट में कम परफॉर्म कर रहा है कैसे परफॉर्म कर रहा है वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बेटे उस रिपोर्ट कार्ड से आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं कहूंगा प्रिपरेशन ऑफ दैट रिपोर्ट कार्ड इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिमिलरली एज एसी एज अ ग्लोबल सीए वेन एवर यू आर यू आर यू आर समराइजिंग यू नो वे यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट

परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एफ फाइव में वहां भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, 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 करेंगे हाँ यहां पे कुछ हल्के लेवल की करेंगे वहां पर हाई लेवल की करेंगे जैसे आपको नूडल्स खाने तो आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो नूडल्स का टेस्ट कुछ अलग होगा बिकॉज दे आर स्पेशन नूडल्स ओनली बट अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं नॉर्थ इंडियन में छोला जो भटोरे भी बनाता है पाव भाजी भी बनाता है नूडल्स भी बनाता है तो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होगा बिकॉज दे आर नॉट कस्टमाइज इन प्रिपेयरिंग नूडल्स तो जब आप पूरे कस्टमाइज हो जाओगे तो बेटे उस समय हम आपको कराएंगे एफ फाइव दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अभी आपने स्टार्टिंग किया है यू शुड बी अवेयर ऑफ इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आप पहले ये लिख लें बेटा लिख लें थर्ड कॉलम इज एफ टू

जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग की बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं एफ थ्री की बातें करते हैं एफ सेवन की बातें करते हैं यू ओनली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिये मैं अभी आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कोका कोला बेटे हम जो भी कुछ करेंगे मैं सच बता रहा हूं आपको हम जो भी कुछ करने वाले हैं हम रियलिटी को जोड़ के करने वाले हैं बेटे ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और आपने कर लिया ये देखिए ये देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन

दीज so पीपल अगर हम इनके लिए अकाउंटिंग करते हैं वी प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर दीज पीपल आई विल से वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रिपोर्ट फॉर दिस मुकेश अंबानी रिलायंस जियो अब रिलायंस के पास कितने सारे कंपनी वर्ग हैं यार इस, इस बेचारे एक व्यक्ति के पास है क्या टाइम भी नहीं है यार सो सो द मिक्सर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम दोनों मिक्स करके कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट बनाएंगे डाटा को एनालाइज करेंगे उसकी फोरकास्टिंग करेंगे प्लानिंग करेंगे डिसीजन मेकिंग करेंगे कंट्रोलिंग करेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आइए आइए मैं चाहता हूं कि आप लिखे एक बार एक बार लिख ले बेटे एक बार लिख ले उसके बाद हम आगे चलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिख रहे हैं फॉर हेल्पिंग फॉर हेल्पिंग क्या इन प्लानिंग फॉर हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग फॉर हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग प्लान किया जाता है आप अपने ए करने से पहले जब भी आप एग्जामिनेशन देंगे यू प्लान वट इज टू बी डन हाउ टूज टू बिटर्न मैनी टूस फिर आप उसकी डिसीजन लेंगे आपने कहा जी मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा है ना फिर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा चल मूवी देखने चलते हैं अब आपका पेपर नेक्स्ट वीक में है अब आप डिसाइड करेंगे कि गर्लफ्रेंड के साथ जाना है या खुद पढ़ना है दैट इज डिसीजन मेकिंग अब आप गर्लफ्रेंड के साथ चले गए टाइम वेस्ट हो गया फिर इवनिंग में रात को देखेंगे भैया कंट्रोल पे, क्या क्या सोचा था, क्या हो गया, प्लानिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग दीज आर द्री नो, दीज आर द्री फंक्शन मैनेजमेंट इस फॉर 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 दीज थ्री फंक्शन यू नो दे इंफॉर्मेशन ज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन वट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे सो so, मैं ये चाहता हूँ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल एंड देड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देनेशियल इंफॉर्मेशन देड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे आप एक ट्वेल्थ क्लास के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं आपने दिया होगा मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले स्कूल अथॉरिटीज क्या करती है उसकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है अच्छा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में हम बिल्कुल बोर्ड के सिनेरियो जैसे ही काम करते हैं और हम ये जज करते हैं कि आपके एक्चुअली में रिजल्ट कितना आएगा मेन एग्जामिनेशन में कितने आएंगे इट आप फॉरवर्ड लुकिंग करते हो आप भविष्य को जानने की कोशिश करते हो तो बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम यही करने वाले हैं कि अगर रिलायंस जियो ने इतने कनेक्शन सेल किए इन इन दिस ईयर दैर हाउ मच न्यू नंबर ऑफ कनेक्शंस कैन कैन वी सेल इन द कमिंग ईयर इन द फोर्थ कमिंग ईयर वी विल बी यूजिंग स्ट्रेटेजिकल टेक्निक्स हम मीन हम को रिलेशन इंडेक्स नंबर्स टाइम सीरीज स्क्यूनेस रिग्रेशन सब कुछ यूज करेंगे और डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई थिंक आपको अभी तक यह बात तो सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर टू अगर आप देखें तो मैंने यही दिया था फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज अकाउंटिंग सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटे मैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन ही तो आप ही का है अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है अभी तो रात बाकी है बात अभी बाकी है बेटे पहला लेक्चर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रो अभी तक तो खाली आप लोहा गर्म किया चोट मारूंगा और आपको अब आप बताऊंगा कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है आई थिंक अभी तक हमें समझ आ चुका है हम मैनेजमेंट का एक्सरे करेंगे मैनेजमेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे मैनेजमेंट का हम हम कोविड टेस्ट कराएंगे कोविड तो भगवान करें चार साल हो भी गए कोविड को खत्म हुए भगवान करे ऐसा कोई वायरस ही ना आए हमारे किसी पूरे वर्ल्ड में नाउ नाउ द पॉइंट इज थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है यार अब जी अभी आपके सामने मैं ये चाहता हूं कि एक फ्लो चार्ट में आपको दिखाऊं और क्वेश्चन नंबर थ्री जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका आंसर नंबर थ्री बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या अब स्टार्ट हो रहा है तो एक आप ग्राफ मैं अभी आपको एक चार्ट के थ्रू फुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग 18 18, 18, के 19 चैप्टर्स कैसे ट्रांजैक्ट हो रहे हैं मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा बेटे फ्लो चार्ट कुछ इस तरह के रहने वाला है मैं कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा जैसे पहला बॉक्स मैं यहां पर प्रिपेयर करूंगा वट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकेंड बॉक्स जो आपको प्रिपेयर करना है i will be giving you three questions, bala, big questions, dunga and we will answer those three big questions so that we can understand that what is the meaning of management accounting and why, you know, financial accounting plus cost accounting plus non finance information is equal to management accounting, and what is the relevance of that, what is the importance of that, what are, you know, whenever you are planning for a for a mission, what what i mean by strategic planning, what i mean by tactical planning, sab kuch

इसमें हम कुछ लिखेंगे मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरह का लाइक दिस आई विल प्रिपेयरिंग द फ्लो चार्ट यू नो आइए मैंने आपके लिए वो फ्लो चार्ट प्रिपेयर भी कर दिया आप जल्दी से बेटे सामने अभी, 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 अभी आपके सामने, सामने कैटरीना आने वाली है अभी आपके सामने शाहरुख खान आएगा बेटे मैंने अभी दिखाया था नहीं था आप दोबारा दिखा रहा हूं आप चलिए पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करते हैं हेडिंग लिखिए एफ टू आंसर नंबर थ्री

लेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट यू आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग द इनफॉर्मेशन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स एंड यू आर प्रिपेरिंग रिपोर्ट फॉर दैट यू आर प्रिपेयरिंग एम आई एस फॉर दैट सो इट इज प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन होगी तो हम उस पर डिसाइड कर सकेंगे उस पर प्लानिंग कर पाएंगे उस पर कंट्रोलिंग कर पाएंगे फॉर प्लानिंग फॉर बजटिंग प्लानिंग और बजटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड देन फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट देन फॉर परफॉर्मेंस हम चेक भी करेंगे जैसे आपने मॉर्निंग में एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया कि भाई मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा फिर यह सब्जेक्ट करूंगा फिर एफ फोर फिर एफ टू फिर एफ थ्री फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अब आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी मम्मी को बताएंगे मम्मी को पता होगी वो इन्फॉर्मेशन वो चेक करेंगी एट द इवनिंग की क्या सोचा था और क्या हुआ स मेजरमेंट तो आप सभी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिख रहे हैं इट इज प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप छोड़ दीजिए बेटे मैं तो कहता हूं बजटिंग भी छोड़ दीजिए क्योंकि प्लानिंग में ऑटोमेटिकली बजटिंग आई जाती है तो ज्यादा बेटर रहता है पी डी पी पी डी पी पी इज प्लानिंग डी इज डिसीजन मेकिंग एंड देन पी इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट आई कैन डू इफ आई कैन आंसर दीज थ्री क्वेश्चन आई कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन आई कैन प्रीपेयर दस आई कैन प्लान आई कैन आई कैन यू नो टेक अ डिसीजन आई कैन परफॉर्म आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस इफ एंड ओनली इफ आई कैन एज अ ए सीसी कैन आंसर दीज थ्री क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वट इज ट इज वट आर द टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेटे आपके जो चैप्टर्स है ना उसमें भी बिल्कुल यही क्वेश्चंस फिट बैठ रहे मैं आपको दिखाने वाला तो पहला क्वेश्चन हो जाता बेटा आप अपने पूरे पेज में ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे ये पूरा फ्लो चार्ट आपकी बड़ी सारी हेल्प करने वाला है यार मैं आपको बता रहा हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझ आ जाएगा पहला क्वेश्चन है वट आर द टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन

फोर चैप्टर्स में डिवाइडेड है उसके बाद टेक्निक्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फाइव क्या है जॉब बैच एंड आ, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर सिक्स क्या है सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर सेवन क्या है मार्जिन ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर नंबर एट क्या है न्यू कॉस्टिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स इट मींस आपका जो सिलेबस है आपके जो चैप्टर्स हैं वो बड़े सिस्टमेटिकली डिजाइन किए एसीसी बॉडी ने Because as a management accountant, you need information, and firstly, you should know what is cost accounting, and they have not given us a cost accounting as a separate subject. You F one, F two, F three, say total 13 papers, mein, cost accounting separate not Because cost accounting is si a field, hai, and with the help of which it, it, it is very important for management accountant that you should know the cost. So, cost they have given chapters pehle de diye. Second question is what is planning? What is planning? ट इज डिसीजन मेकिंग एंड वट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने यहां से भी डी हटा दिया प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम प्लान कैसे करेंगे बजट कैसे बनाएंगे कैपिटल बजटिंग क्या होगी सेल्स बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे फिर उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है वो क्वेश्चन नंबर टू में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज एम आई एस एंड डाटा एनालिसिस एंड

कोई बात नहीं मैं सारा लिखूंगा इससे अच्छा है कि मैं खाली नंबरिंग ही चेंज कर देता हूँ सो so दैट आपको समझ आ जाए पहले क्वेश्चन नंबर टू में आ जाएंगे वट इज एम आई एस वट इज डाटा एनालिसिस वट इज बजटिंग तो सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे डाटा क्या डाटा क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन है

फोरकास्टिंग टेक्निक्स एंड क्वेश्चन आ गई इन्फॉर्मेशन पता चल गई रिपोर्ट आ गईड एंड आई विल मेजर द परफॉर्मेंस तो क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट इज प्लानिंग डिसीजन मेकंग एंड आंसर नंबर थ्री देखे क्या है हम इसमें क्या करेंगे बजटेयर करेंगे कैपिटल बजटिंग बनाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे बेटे ए टू जेड मैंने सारे चैप्टर्स आपके लिख दिए अच्छा लास्ट में हम क्या करेंगे जब सब कुछ हो जाएगा तो बेटे फर्स्ट कॉलम बना दिया सेकंड बॉक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बॉक्स में मैं आ गया और मैंने यहां पे लिखा दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा कर क्यों नहीं व्हाई 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 मैनेजमेंट अकाउंटेंट

आपने प्लानिंग अच्छी की बजटिंग बनाया डिसीजन मेकिंग लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया फिर क्या हुआ ये सब कुछ जब अच्छा होगा तो बेटे आपका सबसे पहले प्रॉफिट ज्यादा होगा अच्छा या तो मैं कहूँ प्रॉफिट ज्यादा होगा या मैं ये कह सकता हूँ कॉस्ट कम होगी अच्छा या मैं कहूँ प्रॉफिट ज्यादा होगा या कॉस्ट कम होगी एक ही बात है मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी अच्छा जब मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी एंड माय शेयर्स आर लिस्टेड इन माई इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज

टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स ठीक है सर बहुत ही बढ़िया तो आइए मैं अब आपको बता दूं कि जो भी मैंने आंसर्स दिए उसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके स्टडी मटेरियल में और उससे पहले उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं यहां पर है ना एक बार अपनी कुछ बातें दिखा दूं और समझा दूं। आप देखिए ये मेरी प्रोफाइल है ये आपके सामने

एफ थ्री के जूस मैंने जब आप एफ थ्री किया था दिखाया था छोटे पापा F5, इस बड़े पापा एंड बड़े उसके भी किए बेटे इतनी मेहनत किया कि सोच भी नहीं सकते कि यार आप देखो एक एक बात को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग बातें प्रिपेयर की एफ सेवन अच्छा मैंने कहा था एफ थ्री के बड़े पापा एफ सेवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है जी ये तो जब करेंगे करेंगे

अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के बाद है मैं अगर थोड़ा सा और देखू है ना तो आपको और ज्यादा इसमें पता चलेगा कि चैप्टर कौन कौन से हैं चलिए कोई बात नहीं मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं यहां से फर्स्ट कैप्टॉन ही दिखा रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर है बेटे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट ठीक है तो?

ये आंसर नंबर वन है 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 ये सब कुछ मैं आंसर नंबर वन में कराऊंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट टेक्निक्स ठीक है सर सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद उसका नाम है डाटा इंफॉर्मेशन एम उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दिस इज आंसर नंबर टू दिस इज आंसर नंबर टू प्रेजेंटिंग इन आंसर नंबर टू फोरकास्टिंग टेक्निक्स आंसर नंबर टू एंड देन आई विल बी डूइंग budgeting i will be doing capital budgeting i will be doing performance evaluation that is standard costing i will be doing performance management and then i will be doing with the practice questions to aap dekhiye maine 17 se 18 jo aapke chapters hain kaise divide kar diye answer 1 answer 2 answer 3 so that you should know the linkage आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं लेकिन लिंकेज ही नहीं पता होती पहले ये क्यों किया फिर ये क्यों किया फिर ये क्यों किया तो मैं भूपेश आनंद बस आखिरी पड़ाव पे हूं जी इस समय आपको जो मैं कहना चाहता हूं आप ध्यान से सुनना क्योंकि मैं बस लास्ट में हूं चैप्टर कंक्लूड, कंक्लूड होने वाला है चैप्टर कंक्लूड होने वाला है बट आज का लेक्चर कंक्लूड होने वाला है देखिए मैंने क्या लिखा आंसर नंबर वन टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग चैप्टर वन टू थ्री फोर वो मैंने लिख दिया लिखे तब तो भी ठीक नहीं लिखे तब तो भी ठीक मैं चाहता हूं अब जो बताने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है जी दोस्त आपका भी और मेरा भी ये ऑब्जेक्टिव है कि आप जल्दी से ए सीसीए क्वालिफाई कर दें अपना नॉलेज लेवल क्लियर करें और स्किल लेवल पे आ जाए तो इसके लिए करना क्या है देखिए हम चाहते तो सभी हैं कि हम ऐसा कर लें ऐसा हो जाए लेकिन उसके लिए यू हैव टू गिव सम हार्ड वर्क फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग फ्री में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं यार तो आपका एक आपकी आपकी रेगुलरिटी स्टडीज में रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इन परसिस्टेंसी आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी खरगोश के पास तेज भागने की स्पीड थी लेकिन फिर भी हार गया वो कछुए के पास आराम आराम से चलने की एक एक वो थी लेकिन फिर भी जीत गया क्योंकि कछुए के पास क्या था टॉटाइस के पास क्या था यू you नो know, वो बेटे कंसिस्टेंसी थी लगातार लगातार चलता रहा चलता रहा भले आप इंटेलिजेंट नहीं है भले आप जॉब करते हैं भले आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं भले मैं ये कहता हूं लगातार आपको हर रोज कुछ ना कुछ खून देना है तो पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करें अगर आप सच में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं ठीक है जी तीसरी बात मैं समझता हूं कि आपको हर क्लास में नाइन्टी परसेंट पहले ही बता देता हूं कि हाईलाइटर्स होने चाहिए येलो कलर और ऑरेंज और कलर के हाईलाइटर्स ले है ना कमर सीधी करके टेबल और चेयर में बैठ के पढ़े आप कभी भी क्योंकि बिकॉज आप में से बड़े सारे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपको टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ना है एनर्जी देखिए एनर्जी लेवल देखिए और आपके आप में वो एनर्जी लेवल ट्रांजेक्ट होता है तो जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी नहाने का प्रोग्राम रोज रखना है अच्छा ये सारी बातों के साथ है ना एक एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी रख लेंगे तो चलेगा कोई टेंशन नहीं है हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे आइए मैं इसके बाद आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ये है। वो ये ये है है वाली बात है दोस्त अगर ये सब कुछ नहीं भी है मान लेते हैं आप आपके पास सेपरेट रजिस्टर नहीं है हाईलाइटर्स नहीं है टेबल कैलकुलेटर नहीं है ये नहीं है वो नहीं है होगा तो बहुत ही अच्छी बात है सर नहीं भी है और एक बात अगर है तब भी आप पास हो सकते और सभी बातें हो तो बहुत ही अच्छा है सभी बातें हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ठीक है जी पहले लिख लो फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा पहले आप, मैं कहता जी, लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है अगर सब कुछ नहीं भी और लास्ट पॉइंट है तो आप ए सी से फर्स्ट में क्लियर हो सकते हैं और वो है आपका किसी भी चीज में पाने का पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी बात समझ रहे देखिए आपको पैसा मिलेगा आपको नॉलेज नेम फेम सब कुछ मिल सकता है द पॉइंट इज उसको पाने की तड़प उसके लिए शिद्दत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं उससे आपको पता चलेगा कि सच में शिद्दत करनी कितनी इंपॉर्टेंट है तभी आपको लाइफ में चीजें मिलने वाली हैं अदरवाइज नहीं मिलेंगी दोस्त अदरवाइज नहीं मिलेंगी आपको ये देखिए ये देखिए आपके लिए मैं गाना कुछ लेकर आया हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम खाली पैसों की बातें करते हैं मॉनेटरी की बातें करते हैं फाइनेंस की बातें करते हैं क्या चीज है पैसा? बट आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं इन एफ टू इन एफ फाइव विल बी डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज बिगर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा देख लें ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने ऑल इंडिया रैंक वन ली और पूरे इंडिया में फर्स्ट आई जैसे मैंने बोला ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज रही होंगी क्या उसके पास एक सेपरेट स्टडी रूम रहा होगा क्या ए होगा क्या एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए पैसे होंगे इंडियन रुपीज आप तो पाउंड में पेमेंट कर रहे हो इट इट ये सब कुछ ठीक है जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी, जरूरी है आपका उस चीज के लिए पाने का आप का आप तीनों बहुत बहुत स्वागत है पी सेवन न्यूज में बेटी की इस कामयाबी के बाद प्रेमा सीए में मिला पहला स्थान ऑटो तो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है बेटे परिवार वालों को इस तो वीडियो को देखें आपको YouTube में यूट्यूब प्रेमा की इस कामयाबी के पीछे उसके परिवार वालों टीचर्स के सहयोग के साथ साथ प्रेमा की कड़ी मेहनत थी प्रेमा की कड़ी मेहनत लास्ट में आप, आपके पास स्टडी रूम है है सब कुछ है, लेकिन आप अगर खुद मेहनत नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर सकते दोस्त जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचाया प्रेमा की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उसके भाई ने भी इस परीक्षा को उसी के साथ पास कर लिया मेरे पेरेंट्स अब लास्ट में ऐसा दिखा रहा हूँ शाहरुख खान का वो ये कहता है कि अगर किसी काम को पाने में तुमने पूरी शिद्दत की है तो पूरी कायनात तुम्हें उसको देने में मदद करेगी देखिए क्या कह रहा है शाहरुख से ध्यान से सुनना एफ टू फोर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है अगर आपने ध्यान से सुना uh... इतनी शिद्दत से कोशिश की कोशिश की एफ टू इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें एफ टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में पाने की कोशिश पाने की कोशिश की है कि पूरी हर जर्रे ने मुझे हर जर्रे ने कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमको देने में कोशिश मिलाने की साजिश की है कहते हैं सुनना जी ध्यान से बस ये लास्ट है। इसके मैं टाटा करूंगा इंट्रो ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटे लॉजिकली जब तक मैं क्लियर ना करूं मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो अगर किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है दिल से चाहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है यार बार बार फिरंगियों को पाउंड्स नहीं देने नहीं देने नहीं देने तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब हम चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर टू में बोलूंगा धीरे धीरे आगे चलेंगे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करेंगे एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन करेंगे बीबीबी से करेंगे बात जब निकलेगी तो काफी दूर जाएगी दोस्तों बस आप बने रहिएगा मिलते हैं बी हैपी बी जॉली बी चेयरफुल